हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कालक से लिखा जाएगा तारीख में ये वाकया, सरजू किनारे जल गई गंगो जमन की आबरू। सिर्फ सुन लीजिए, सरजू किनारे जल गई गंगो जमन की आबरू। ये मुल्क, लोग कहते हैं कि दहशतगर्द हो गए लोग, लोग कहते हैं कि इनके अंदर शिद्दत पाया जाता है। कहीं से पढ़ लिया होगा आईएस आईएस की दास्तानें, लश्करे तैयबा के नाजेबा हरकत, कहीं से देख लिया होगा लश्करे अंजुमन सिपाहे सहाबा की वो खून आशाम शामें। उनको नहीं मालूम कि बुजुर्गों का मसलक क्या है, ये पढ़ने के लिए गरीब नवाज की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। इस्लाम क्या है ये पढ़ने के लिए सरकार मखदूम सिमला के मतब की बहारों को लेके जाते हुए उन मरीजों से देखना पड़ेगा जिनके अंदर शिफा की खुशबू दी गई है और उनका मजहब नहीं देखा गया। मेरी बात समझे, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दे हम। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम, बताओ भूत के डर से। डरे तो नहीं आप लोग? खुदा से डरे तो फिर किसी से डरे, खुदा से डरे बस। समझ रहे आप? बस एक शेर मनकबत का पढ़ दूं और फिर बैठ जाऊं आपके पास। आप तो जाग गए माशाल्लाह, जो लोग नहीं जाग रहे थे वो भी जाग गए। मरहबा सल्ले अला सल्ले अला, क्या चीज है। आवाज पहुंची, मैं आपसे नहीं कहूं सुभान अल्लाह कहने के लिए, जिसका दिल गए वो सुभान अल्लाह कहे। अब तो ये मदारपुर वाले सुभान अल्लाह कह ही रहे हैं माशाल्लाह, अब किसी की जरूरत नहीं। मरहबा सल्ले अला क्या चीज है। फिर से पढ़ता हूं, मरहबा सल्ले अला क्या चीज है। ये वजीफा पढ़ लिया तो फिर दवा क्या चीज है। मरहबा सल्ले अला क्या चीज है। ये वजीफा पढ़ लिया तो फिर दवा क्या चीज है। जो लोग सहमे हुए हैं, जो लोग खौफ में हैं, आखिरी सफ तक लोग जो डरे हुए हैं, एक शेर सुन लिया। मरहबा सल्ले अला क्या चीज है। ये वजीफा पढ़ लिया तो फिर दवा क्या चीज है। और गर दीवाने उठ पड़े जालिम हुकूमत के खिलाफ, तब समझ में आएगा हाँ करबला क्या चीज है। गर दीवाने उठ पड़े जालिम हुकूमत के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया, खड़े होके लगाए नारा, खड़े होके इमाम हुसैन की मोहब्बत में। अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जरा जोर से कह दे या हुसैन, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, जरा दिल से बोल दे या हुसैन। नारा हुसैन पाक के नाम का आपको इतनी मोहब्बत से लगाना चाहिए कि हुसैन पाक करबला की जमीन से आप पर अपनी नजर मोहब्बत डाल। कोई है ऐसा हुसैनी जो इस सच्चे शेर का इस्तकबाल कर ले और खड़ा होकर के इमाम हुसैन और हुसैन जादों की मोहब्बत का ऐलान कर दे। माशाल्लाह, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे इन मेरे भाइयों को, मदारपुर में आए, दूर से आए, मदारपुर वालों का हौसला बढ़ाया। अब थोड़ी देर के बाद आप लोग वहां से उठ के उधर बैठ जाइएगा, वहां उधर लगाइएगा नारा, उसके बाद वहां से उठ के पीछे बैठ जाइएगा। थोड़ी सी मुझे भी गलत फहमी होती रहे कि हर तरफ से नारे लग रहे हैं। मरहबा सल्ले अला क्या चीज है। ये अल्लाह इनको उठा ले मेरे मौला, दूसरी मखलूक भेज दे। मरहबा सल्ले अला क्या चीज है। ये वजीफा पढ़ लिया तो फिर दवा क्या चीज है। ये वजीफा पढ़ लिया तो फिर दवा क्या चीज है। और गर दीवाने उठ पड़े जालिम हुकूमत के खिलाफ, तब समझ में आएगा हाँ करबला क्या चीज है। और देखकर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, जानता हूं मैं मेरा अहमद रजा क्या चीज है। देखकर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, जानता हूं मैं मेरा अहमद रजा क्या चीज है। अब एक शेर, जिसने अपनी माँ से मोहब्बत की वही बोलेगा, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वही बोलेगा, जिसने अपनी माँ के पांव दबाए हैं वही बोलेगा। मरहबा सल्ले अला क्या चीज है। ये वजीफा पढ़ लिया तो फिर दवा क्या चीज है। फिर दवा क्या चीज है। गर दीवाने उठ पड़े जालिम हुकूमत के खिलाफ,
तब समझ में आएगा हाँ कर्बला क्या चीज है। देखकर अहमद रजा को उनके मुर्शिद ने कहा, जानता हूं मैं मेरा अहमद रजा क्या चीज है, जालिमों से बच के जब मैं अपने घर में आ गया तब पता मुझको चला माँ की दुआ क्या। जालिमों से बच के जब मैं अपने घर में आ गया तब पता मुझको चला माँ की दुआ क्या चीज है। माँ की दुआ क्या चीज है, उसी माँ के कदम को चूम कर, माँ के आंचल के सहारे से, माँ के आंसुओं की उंगलियां थाम कर, माँ की दुआओं के इशारे पर चल करके हिंदुस्तान का वो लहजा सना खान रसूल मोहतरम शहबाज रजा कलकत्तवी यहाँ पर हाजिर है, आइए उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद, अंजुमन गुलामान मुस्तफा मदारपुर, फजाइल अहले बैत मुस्तफा, दामान मुस्तफा, मुहिब्बान आले मुस्तफा, फैजान सरकार गौसुल आजम, अजमत गरीब नवाज, फैजान आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुरूर कैफ न जीने की बात करते हैं हम, अहले इश्क करीने की बात करते हैं, शहे मदीना की बातें सभी नहीं करते, नसीब मेरे मावा मेरे मलजा, मेरे गम खार का चेहरा। माशाल्लाह, सुने सुने एक बार दोनों हाथों को लहराकर बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और आहिस्ता से बोलिए कोई सुन लेगा, एकदम धीरे से बोले सुभान अल्लाह। के मेरे मावा मेरे मलजा, मेरे मावा मेरे मलजा, मेरे गम खार का चेहरा। दोनों जानी से तो आवाज आ रही है, मैं चाहता हूँ 20 से भी सुभान अल्लाह की सदा मुझे मिल जाए, पीछे वाले लोग भी। मेरे मावा मेरे मलजा, मेरे गम खार का चेहरा, मेरे मावा मेरे मलजा, मेरे गम खार का चेहरा। मतलब से ही मुझे महसूस होना चाहिए कि मैं किस जगह पर रहा हूँ। मुलाजा करें, आपकी अपनी एक पहचान है, वो पेश करता हूँ। मुलाजा करें, हम मेरे मावा मेरे मावा, मेरे मलजा मेरे मावा मेरे मलजा, मेरे गम खार का चेहरा। मेरे अभी भी वो आवाज नहीं आ रही है। मेरे मावा मेरे मलजा, मेरे गम खार का चेहरा, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है मेरे सरकार का चेहरा। मेरे के बिलाले बावफा को देख कर हूरे पुकारो थी। हम भी नबी के गुलाम हैं, आप भी नबी के गुलाम हैं, लेकिन एक ऐसा गुलाम है जो तमाम गुलामों में अनोखा है। पेश करता हूँ, मुलाजा करें। बिलाले बावफा को देख कर हूरे पुकारो थी, 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 है कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, कितना खूबसूरत आशिके सरकार का चेहरा। मेरे मावा मेरे मलजा,
जा मेरे गम खा का चेहरा बहुत ही खूबसूरत है बहुत गे बहुत ही खूबसूरत है मेरे सरकार का चेहरा मेरे मामा मेरे मलजा मेरे गमखार का चेहरा छिड़क दीजिए निगाहों पर शाहदीदार का पानी आसिफ भाई एक शेर ये शेर आपकी दुआएं चाहता हूँ छिड़क दीजिए निगाहों पर शाहदीदार का पानी छिड़क दीजिए निगाहों पर शाहदीदार का पानी के मुरझाया हुआ है हाँ के मुरझाया हुआ है हाँ के मुरझाया हुआ है आपके बीमार का चेहरा मेरे मावा मेरे मलजा गमखार का चेहरा छिड़क दीजिए निगाहों पर छिड़क दीजिए निगाहों पर शाहदीदार का पानी छिड़क दीजिए निगाहों पर शाहदीदार का पानी के मुरझाया हुआ है आ के बीमार का चेहरा मेरे मावा मेरे मलजा मेरे गमखार का चेहरा यकीन माने ऐसा शेर आ रहा है अब नारा नहीं कई नारे लगेंगे ऐसा शेर आ रहा है मोहब्बत से मुलाहजा करें सरकार ताजू शरिया के चाहने वालों की बारगाह में मोहब्बत से बोलते हैं सुभान अल्लाह वो चेहरा देख कर जिसको रजा की याद आती थी वो चेहरा देख कर जिसको वो चेहरा देख कर जिसको रजा की याद आती थी वो चेहरा देख कर जिसको रजा की याद आती थी यकीनन है वो मेरे हाँ यकीनन है वो मेरे है यकीनन है वो मेरे अजहरी सरकार का चेहरा मेरे मावा मेरे मलजा मेरे गमखार का चेहरा बहुत ही खूबसूरत है बाबा दिगे बहुत ही खूबसूरत है मेरे सरकार का चेहरा मेरे बाबा मेरे मलजा मेरे गमखार का चेहरा अब एक शेर ये मेरे दिल की भी तमन्ना है
اور ہر عاشق رسول کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے شہنواز بھائی, میں پیش کرتا ہوں اگر آپ کے دل کی بھی یہ تمنا ہے تو کوئی نبی کا دیوانہ خاموش نہ رہے. تیار ہے؟ ذرا ہاتھ بڑھا کر بتائیں. پہلے گواہ بنا لے علماء کرام کو. سب لوگ تیار ہیں؟ سب لوگ. ابھی بھی کچھ لوگ کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے. میں چاہتا ہوں کہ ہاتھ اٹھ جائے نبی کے نام پر. سنیں, میرے مولا میرے اللہ میرے اللہ, جس دم موت کی نازک گھڑی آئے. والوں کی دعائیں چاہوں گا, ملاحظہ کریں. ہم میرے اللہ جس دم موت کی نازک گھڑی آئے. بالخصوص یہاں سے یہاں تک جتنے لوگ ہیں سب تیار رہے, ملاحظہ کریں. ہم میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے اللہ, جس دم موت کی نازک گھڑی آئے. میرے اللہ جس دم موت کی نازک گھڑی آئے, نظر کے سامنے ہو نظر کے سامنے میرے نظر کے سامنے ہو سید ابرار کا چہرہ. میرے ماں با میرے پیغمبر کا چہرہ, میرے اللہ جس دم موت کی نازک گھڑی آئے. یقیناً یہ بہت بڑا شعر ہے. آپ لوگ ادھر والے خاموش رہ گئے. بہت بڑا شعر ہے, یقین مانے. اگر یہ تمنا کسی عاشق رسول کی پوری ہو جائے تو اس کی پوری محنت وصول ہو جائے. میں پھر سے پڑھتا ہوں, ایک چانس ادھر والوں کو بھی دیتا ہوں, ملاحظہ کریں. کہ میرے اللہ جس دم موت کی نازک گھڑی آئے. اگر تمنا ہے آپ کی تو خاموش نہ رہے. ہاں میرے اللہ جس دم موت کی نازک گھڑی آئے, نظر کے سامنے میرے نظر کے نظر کے سامنے میرے نظر کے سامنے ہو سید ابرار کا چہرہ. میرے ماں با میرے ملجا میرے غم خار کا چہرہ. ایمانداری سے بتائیے, اچھا لگ رہا ہے؟ جب اچھا لگ رہا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ تو اتنا آہستہ ذرا بلند آواز میں, نبی کے دیوانے ہیں, نبی کے نام پر نہیں بولیں گے تو کس کے نام پر بولیں گے؟ میں شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ کریں. کہ ایک ایسا گل کھلا ہے آمنا بی بی کے گلشن میں, ایک ایسا گل کھلا ہے آمنا بی بی کے گلشن میں, ایک ایسا گل کھلا ہے آمنا بی بی کے گلشن میں, نکھرتا دیکھ کر جس کو ہے کھلتا دیکھ کر جس کو گلو گل زار کا چہرہ. میرے بابا میرے ملجا میرے غم خار کا چہرہ, بہت ہی خوبصورت ہے میرے سرکار کا چہرہ. میرے ماں با میرے ملجا میرے غمکار کا چہرہ.
एक और अच्छा शेर पेश करता हूँ, मुलाजा करें, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलते या रसूल अल्लाह। मेरे मावा मेरे मलजा मेरे गमखार का शहरा, जो शेदाई जो शेदाई है उनके हुस्न रुखसारे इनायत का, जो शेदाई है उनके हुस्न रुखसारे इनायत का। जो नबी का शेदाई होता है ना दीवानों, वो बहुत अलग होता है, सबसे अलग होता है, उसकी शान ही जुदा होती है। मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, और मुझे महसूस हो कि सच्चे दीवानों के बीच में पढ़ रहा हूँ। जो शहदाई है उनके हुस्न रुखसारे इनायत का, जो शहदाई है उनके हुस्न रुखसारे इनायत का, पलट कर तक नहीं सकता, पलट कर तक नहीं सकता, पलट कर तक नहीं सकता किसी जरदार का चेहरा। मेरे मावा मेरे मलजा मेरे गमखार का चेहरा, बहुत ही खूबसूरत है मेरे सरकार का चेहरा। मेरे मावा मेरे मलजा मेरे गमखार का चेहरा, बहुत ही खूबसूरत है बाबा देवे बहुत ही खूबसूरत है मेरे सरकार का चेहरा। मेरे मावा मेरे मलजा मेरे गमखार का चेहरा। दुआ के साथ मक्ता पेश करता हूँ, मुलाजा करें। हकीकत है यही शहबाज नामे आला हजरत से, हकीकत है यही शहबाज नामे आला हजरत से, हकीकत है यही शहबाज नामे आला हजरत से, निखर जा ता है तेरे हाँ निखर जा ता है तेरे हाँ निखर जा ता है तेरे नातिया अशआर का चेहरा। मेरे मावा मेरे मलजा मेरे गमखार का चेहरा। मेरे साथ आप भी पढ़ ले। बहुत ही खूबसूरत है मेरे सरकार का चेहरा, मेरे मावा मेरे मलजा मेरे गमखार का चेहरा। मुफलिस को यदि माँ को अपने, मुफलिस को यदि माँ को अपने, मुफलिस को यदि माँ को अपने, सीने से लगाने आए हैं, सीने से लगाने आए हैं। मुफलिस को यदि मुफलिस को यदि मुफलिस को यदि माँ को अपने, सीने से लगाने आए हैं, सीने से लगाने आए हैं, सीने से लगाने आए हैं। मुफलिस को यदि माँ को अपने, सीने से लगाने आए हैं, सीने से लगाने आए हैं।
سلطان مدینہ دنیا کے سلطان مدینہ سلطان مدینہ دنیا کے تقدیر جگانے آئے ہیں سلطان مدینہ دنیا جشن آمد رسول ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تو اتنے جوان ہیں یہاں سے ایک نعرہ لگنا چاہیے تھا ایک نعرہ لگا دیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ارے بیٹا ماشاءاللہ شرکت کیجیے جواب دیجیے جواب دیجیے ماشاءاللہ بہت اچھے زندہ باد زندہ زندہ باد اللہ تعالیٰ ان بچوں کو سلامت رکھے آپ نے میرا دل جیت لیا ایک شعر سنیں آپ لوگ کے حوالے پیش کرتا ہوں ملاحظہ کریں لوگ کہتے ہیں نا ہم جھنڈیاں کیوں سجاتے ہیں گلیوں کو کیوں سجاتے ہیں اب سن لیجئے کیوں سجاتے ہیں یہ کس کی سنت ہے ملاحظہ کریں ہم کیوں نہ سجائیں ہم کیوں نہ سجائیں ہم کیوں نہ سجائیں گلیوں کو آقا کی ولادت پر لوگوں ہم کیوں نہ سجائیں گلیوں کو آقا کی ولادت پر لوگوں آقا کی ولادت پر لوگوں ہم کیوں نہ سجائیں گلیوں کو گلیوں کو گلیوں کو گلیوں کو ہم کیوں نہ سجائیں گلیوں کو آقا کی ولادت پر لوگوں ہم کیوں نہ سجائیں گلیوں کو آقا کی ولادت پر لوگوں ہم کیوں نہ سجائیں گلیوں کو آقا کی ولادت پر لوگوں آقا کی ولادت پر لوگوں جب کعبے کی چھت پر خود جھنڈا جب کعبے کی چھت پر خود جھنڈا جبریل لگانے آئے ہیں جب کعبے کی چھت جب کعبے پڑھیے یہ شعر پھر سے پڑھیے ماشاءاللہ واہ 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 ماشاءاللہ کیا کہنا بھائی واہ واہ سبحان اللہ مرحبا اللہ اکبر ماشاءاللہ اتنا اچھا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ نبی کا دیوانہ قافلہ بنا کر بیٹھا ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے ادھر والے کی باری باقی ہے نا یہ کمیٹی والے شاید لگتے ہیں لیکن کمزور پڑ رہے ہیں ادھر والے دیکھیے میں پھر سے پڑھتا ہوں مہرا پھر سے محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ ہم کیوں نہ سجائیں ہم کیوں نہ سجائیں ہم کیوں نہ سجائیں گلیوں کو آقا کی ولادت پر لوگوں آقا کی ولادت پر لوگوں ہم کیوں نہ سجائیں گلیوں کو گلیوں کو گلیوں کو گلیوں کو گلیوں کو آقا کی ولادت پر لوگوں ہم کیوں نہ سجائیں گلیوں کو آقا کی ولادت پر لوگوں ہم کیوں نہ سجائیں گلیوں کو آقا کی ولادت پر لوگوں آقا کی ولادت پر لوگوں جب کعبے کی چھت پر خود جھنڈا جب کعبے کی چھت پر خود جھنڈا جبریل لگا دے آئے جب کعبے کی چھت پر خود جھنڈا جبریل لگانے جبریل لگانے آئے اب ایک اور اچھا شعر بہت پیارا شعر پیش کر رہا ہوں مقدس علماء کرام تشریف رکھتے ہیں میرے آقا کے آنے سے پہلے بیٹیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا لیکن آقا کیا آئے رحمت کا دریا لے کر آ گیا محبت سے بولتے سبحان اللہ سنے خوشیوں کی بہاریں لے کر میرے آقا آ گئے کہ ہر ظلم کا پنجا ٹوٹے گا
हर जुल्म का पंजा टूटेगा, बेटी का नसीबा जागेगा। हर जुल्म का पंजा टूटेगा, बेटी का नसीबा जागेगा। हर जुल्म का पंजा टूटेगा, बेटी का नसीबा जागेगा। हर जुल्म का पंजा टूटेगा, बेटी का नसीबा जागेगा। अगर इस बात में सच्चाई होगी कोई नबी का दीवाना खामोश न रहे, मुलाहिज़ा करें। हर जुल्म का पंजा टूटेगा, बेटी का नसीबा जागेगा। हर जुल्म का पंजा टूटेगा, बेटी का नसीबा जागेगा। हर जुल्म का पंजा टूटेगा, बेटी का नसीबा जागेगा। बेटी का नसीबा जागेगा। अब दफन न होगी बेटी कोई, अब दफन न होगी बेटी कोई। सरकार बचाने आए हैं, अब दफन न होगी बेटी कोई। सरकार बचाने आए हैं, सरकार की आमद। या अल्लाह, सरकार की आमद अभी भी नहीं हुआ। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, मरहबा। हर जुल्म का पंजा टूटेगा, बेटी का नसीबा जागेगा। बेटी का नसीबा जागेगा। हर जुल्म का पंजा टूटेगा, बेटी का नसीबा जागेगा। बेटी का नसीबा जागेगा। अब दफन न होगी बेटी कोई, अब दफन न होगी बेटी कोई। सरकार बचाने आए हैं। اللہ اکبر، اللہ مبارک مبارک حضرات، یہ آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ نبی کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ یہ نبی کا جلسہ سجانا سب کی قسمت میں نہیں ہے، یہ قسمت والوں کی قسمت میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت والوں کی قسمت میں ہے۔ میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ جب تک آواز نہیں ملے گی میں نہیں پڑھوں گا۔ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم تاج شریعت والے ہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم تاج شریعت والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم تاج شریعت والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم تاج شریعت والے ہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم تاج شریعت والے ہیں، ہم تاج شریعت والے ہیں۔ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم تاج شریعت والے ہیں، ہم تاج شریعت والے ہیں۔ آقا کی ولادت کا جلسہ، آقا کی ولادت کا جلسہ ہم لوگ منانے آئے ہیں۔ آقا کی ولادت، آقا کی ولادت کا جلسہ ہم لوگ منانے آئے ہیں، ہم لوگ منانے آئے ہیں، ہم لوگ منانے آئے ہیں۔ محبت سے ایک بار بول دیں یا حسین، ذرا حسینی تیور میں بولیے۔ جس طرح میرے حسین کا نام آتے ہی خون میں گرمی، اس طرح ملاحظہ کریں۔ ایک آواز میں پورا مجمع سینے کی طاقت سے کہہ دیں یا حسین۔ پیچھے والے بھی، پیچھے بھی، بنگلہ دیش کے بارڈر، پورا ایک ساتھ کہہ دیں یا حسین۔
तुम्हें एक शेर हजरत हुसैन की बारगाह में पेश करता हूँ। ये कहते हुए रन में आया, ये कहते हुए रन में आया, ये कहते हुए रन में आया वो शेर खुदा का शहजादा। ये कहते हुए रन में आया वो शेर खुदा का शहजादा। अगर सच्चाई है तो हुसैन का दीवाना खामोश नहीं रहेगा, मुलाजा करें। ये कहते हुए रन में आया, ये कहते हुए रन में आया वो शेर खुदा का शहजादा। ये कहते हुए रन में आया वो शेर खुदा का शहजादा। ये कहते हुए एक आवाज में, ये कहते हुए रन में आया, ये कहते हुए रन में आया वो शेर खुदा का शहजादा, वो शेर खुदा का शहजादा। हम कर वो बला की धरते पर, हम कर वो बला की धरते पर कोहराम मचा दे आए हैं। हम के शेरों ने कहा ये आपस में जी भर के जियारत करनी है। कुर्बान जाए दीवानों, कसम से ऐसा शेर आ रहा है, कसम से दिल खुश हो जाएगा, ऐसा शेर आ रहा है, मुलाहिज़ा करें। शेरों ने कहा ये आपस में, शेरों ने कहा ये आपस में जी भर के जियारत करनी है। शेरों ने कहा ये आपस में जी भर के जियारत करनी है। शेरों ने कहा ये आपस में जियारत करनी है, जी भर के जियारत करनी है। शेरों ने कहा ये आपस में जी भर के जियारत करनी है, जी भर के जियारत करनी है। वो देखो हली माँ की बगरे, वो देखो हली माँ के बगरे सरकार छुड़ा दे आए हैं। वो दे बोहले एक मर्द मुजाहिद ने जाकर, ने जाकर, ने जाकर, एक मर्द मुजाहिद ने जाकर उस शेख हरम से टकरा कर। एक मर्द मुजाहिद ने जाकर फरमाया रजा के मसलक का, फरमाया रजा के मसलक का हम नारा लगाने आए हैं। फरमाया रजा के वलियों के वली गौसे आजम, वलियों के वली, 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 वलियों के वली गौसे आजम को रब ने अता की है कुदरत। वलियों के वली गौसे आजम को रब ने अता की है कुदरत। वलियों के वली गौसे आजम को रब ने अता की है कुदरत, गौरव ने अदा की है कुदरत। कदमों से लगा कर वो ठोकर, कदमों से लगा कर वो ठोकर मुर्दों को जिला दे आए हैं। कदमों से लगा कर वो ठोकर मुर्दों को जिला आए हैं मुर्दों को जिलाने आए हैं।
का मुलाहजा करें। सुने, कुछ देर नकीरों रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ देर नकीरों रुक जाओ शहबाज रजा की तुर्बत में, कुछ देर नकीरों रुक जाओ शहबाज रजा की तुर्बत में, कुछ देर नकीरों रुक जाओ शहबाज रजा की तुर्बत में, शहबाज रजा की तुर्बत में, अल्लाह के प्यारे पैगंबर, अल्लाह के प्यारे पैगंबर दीदार कराने आए हैं, अल्लाह के प्यार, अल्लाह के प्यारे पैगंबर दीदार कराने आए हैं, दीदार कराने आए हैं। चांद सीना चीर लेगा, चांद सीना चीर लेगा, मौजज़ा हो जाएगा, चांद सीना चीर लेगा, मौजज़ा हो जाएगा। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ, मोबाइल नंबर 9935055789।